बड़ों का आशीर्वाद दिलवाएं बच्चों से, और आशीर्वाद देने वाला प्रक्रिया ना नित्य का बना लें, रोज रोज बच्चे बड़ों के पैर छुए आशीर्वाद लें। और एक चीज और, ये बच्चे छोटे छोटे बच्चों में दूसरे बच्चों में विद्या की सामग्री का दान करें, कॉपी किताब पेंसिल, जो बच्चा पढ़ने लायक है, पैसा नहीं है, आपके पास पैसा है दिलवाइए, ये विद्या दान में आता है। तो ऐसे बच्चों पे गणपति जी की कृपा भी होगी, और बृहस्पति और सूर्य जब मजबूत होंगे तो संस्कारवान भी होगा और जिंदगी में आगे बढ़ेगा, आपका नाम रोशन करेगा। बिल्कुल, महिलाएं सुरक्षित रहें इसके लिए खास प्रयोग आगे बताएंगे, राशिफल कल के दिन का भी जान पाएंगे आप। लेकिन कर्नाटक से नीता जुड़ी हैं हमारे साथ, आपका स्वागत है शो में नीता जी। हेलो जी। हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्कार जी नीता जी। हाँ, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। जन्म की तारीख 16 अगस्त जी 2004 जी। समय 10:52 सुबह के जी। और प्लेस कारवार। कारवार। जिला बता दीजिए आप हमें। उत्तर कन्नड़। नहीं समझ पाए आप। मैं स्पेलिंग बताती हूँ। हाँ जी बताएं। UCCAR KANNADA उत्तरा उत्तरा कन्नड़ा। क्या सवाल है आपका? जी सवाल पूछिए। हेलो मैम। मैं बेटे का पढ़ाई के बारे में जी और उसके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। जी बिल्कुल जरूर। देखिए, तुला लगन की कुंडली बनती है बच्चे की और सिंह राशि बनती है। शुक्र की महादशा, चंद्रमा की अंतरदशा, शुक्र में मंगल आ जाएंगे 28 सितंबर 2016 से। बात करें पढ़ाई की, तो पढ़ाई का तो बड़ा अच्छा योग बना हुआ है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी समस्या रह सकती है, तो इसका ध्यान रखेंगे, डॉक्टर से कॉन्टेक्ट में रहेंगे। लेकिन कुंडली में काल सर्प योग भी बना हुआ है, तो इसके लिए हम यही कहेंगे कि बच्चे के हाथ से नियमित तौर पे प्रत्येक शुक्रवार के दिन चावल और दही का दान मंदिर में करवाएं, और बच्चे को मंदिर में शिवालय ले जाएं, भगवान शिव के मंदिर ले जाएं, उनके दर्शन करवाएं, और साथ ही साथ अगर जल चढ़वाएं तो और उत्तम होगा। और रही बात भविष्य की, तो कुंडली के हिसाब से भविष्य अच्छा जाएगा बच्चे का, इसमें कोई संदेह नहीं है, और हमारी भी शुभकामना है। बिल्कुल। और बप्पा सपने में दर्शन कैसे देंगे, खास प्रयोग बस हम आपको आगे बताएंगे, पर उससे पहले आप सभी तैयार हो जाइए और अपने मूलांक के अनुसार नोट कीजिए अपना अपना सीक्रेट नंबर। बात करते हैं आपके सीक्रेट नंबर का, जो आपके मूलांक पे आधारित है। शुरू करते हैं मूलांक एक से, तो मूलांक एक वाले लोग आप लोग लिखें, आपका नंबर है 33। मूलांक दो की बात करते हैं, आप लोग लिखे 18 नंबर। मूलांक तीन 19 नंबर। मूलांक चार की बात करें तो आप लोग अपने पास रखेंगे 16 नंबर। और मूलांक पांच वाले लोग 26 नंबर। मूलांक छह की बात करते हैं 15 नंबर। मूलांक सात आप लोग 9 नंबर। मूलांक आठ की बात करें 21 नंबर। और मूलांक नौ वाले लोग रखेंगे 22 नंबर। ये वो नंबर है कि जो बड़े शोध के बाद आपको बताया जाता है, ताकि आपके दिनचर्या में अच्छे कार्यों में वृद्धि हो, गोपनीयता बनाकर रखिए। बिल्कुल। और अब हम बात करेंगे मुंबई से, हमारे साथ मंजू जुड़ी हैं जी, आपका स्वागत है मंजू जी। मंजू आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है जी। हेलो जी मंजू जी। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्कार। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। बताएं जन्म की तारीख। 3 दिसंबर 1994। समय 3:30 दिन का। और प्लेस प्रतापगढ़ UP। क्या सवाल है आपका?
मैडम वो पढ़ाई में मतलब अभी तो पढ़ रहा है, MBA कर रहा है जी। हाँ उसकी तबीयत थोड़ा ठीक भी नहीं रहती है, और दूसरी बात है मतलब वो सरकारी जॉब करेगा या प्राइवेट? जरूर। देखिए मेष लगन की कुंडली बनती है और जो राशि बनती है वो वृश्चिक राशि है, और कुंडली में चंद्रमा नीच के होकर अष्टम भाव में बैठे हैं, सूर्य के साथ हैं, अमावस योग भी बना रहे हैं, और साथ ही साथ हम आपको ये भी कहेंगे कि लग्न का केतु थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, पढ़ाई लिखाई में भी डिस्टर्ब करता है और स्वास्थ्य में भी डिस्टर्ब करता है। अष्टम के चंद्रमा है, नीच के हैं, तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य का ध्यान देना जरूरी रहेगा, पेट से संबंधित समस्या देता है ऐसा चंद्रमा। तो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, जरूर कीजिए, इनको मूंगा धारण करवाइए, मंगल को बल दीजिए। और रही बात सरकारी नौकरी की, तो देखिए सरकारी नौकरी के लिए तो हम अभी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर सरकारी नौकरी होती भी है तो 2020 के पहले कोई संभावना नहीं है। उससे बेहतर है, इनकी कुंडली बताती है कि ये प्राइवेट क्षेत्र में भी बहुत ऊंचाई तक जाएंगे, तो जो अच्छा है उधर ध्यान दीजिए। बिल्कुल। और अब हम बात करेंगे महिलाओं के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में। पूरे 24 घंटे हर महिला सुरक्षित रहे, इसके लिए अपना ये खास उपाय आपसे हैं हम। जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। नारी तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। बात करेंगे आपके सुरक्षा की, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी बनती है। करना क्या है कि उड़द, साबुत उड़द लीजिए, 7 दाने लीजिए साबुत उड़द के, और चुटकी भर चीनी लीजिए, चीनी शुगर, अपने ऊपर से उतारकर इसको दक्षिण दिशा की ओर फेंक दीजिए। चलते बनिए, सुरक्षित रहेंगे, हर जगह सुरक्षा मिलेगा आपको। बिल्कुल। राशिफल कल के दिन का और बप्पा कैसे देंगे दर्शन, ये तमाम जानकारियां ब्रेक के उस पार बताएंगे। कल सुबह 8 बजे भी बताएंगे आपको कुछ खास कि आपकी सोच कैसे ऊंची हो सकती है और अपने समाज में किस तरह से आप अपना परचम लहरा सकते हैं, और ये खास जानकारी कल सुबह 8 बजे होगी। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि। साल के 6,000 और महीने के 500, ये सिर्फ रुपए नहीं है। किसी मजबूर बेसहारा के घर में इन्हीं से रोटी की खुशबू है आई, और कभी यही बन जाते हैं दवाई। समाजवादी पेंशन योजना में 500 रुपए की मासिक धनराशि के साथ परिवार सदस्यों और खासकर बच्चों और विकलांग सदस्यों को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी लाभ दिए जाते हैं। समाजवादी पेंशन के पैसे जब पूरे के पूरे इनके हाथों में आते हैं तो इनकी कमजोरी में इनकी ताकत बन जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं इतने रुपए में आजकल क्या होता है, ये तो उनसे पूछिए जिनके पास इतना भी नहीं होता है। नहीं भाई, 400 रुपया घर है, हालत बिगड़ी है, जहाँ से बहुत मदद है। माना आज के हिसाब से ये कुछ कम है, लेकिन किसी ने इतना भी सोचा और कर भी दिखाया, ये क्या कम है। समाजवादी पेंशन योजना गरीब परिवारों में महिला मुखिया के नाम ई पेमेंट के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में जारी की जाती है। बस ये सिलसिला हमेशा यूं ही चलता रहे, बढ़ता रहे, गरीब और बेसहारा का कोई सहारा बनता रहे। भाई बोले तो अपुन के एरिया में अपुन से बड़ा डेंजर कौन आ गया भाई? डेंगू और चिकुनगुनिया। बोले तो दोनों का गेम बजाते थे भाई। अरे पापा, कूलर में मच्छर की फैक्ट्री डाले लगे क्या? ड्रम, कूलर, गमले, पक्षियों के बर्तन वगैरह को हर हफ्ते साफ करने का, टायर, प्लास्टिक के कप, ग्लास, नारियल के खोल में पानी जमाना होने दे। डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छर के काटने से बचे, बुखार हो तो पैरासिटामोल लेने का, एस्प्रिन नहीं। पर भाई ये बीमारी का पता कैसे चलेगा भाई? सीधा है रे, बदन दर्द, सर दर्द, तेज बुखार, थकावट, बदन पे दाने निकले तो मतलब डॉक्टर को मिलने का, खुद डॉक्टर नहीं बनने का, समझा? वाह भाई, आप तो सचमुच के MBBS हो भाई।
स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळं मुरुडं विनायकमहं चिंतामणिं फेवरम्। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे हम आपको बताएंगे वो खास प्रयोग जिसे अपनाने के बाद आज ही के दिन यानी कि आज जब रात को आप सोएंगे तो आपको बहुत ही प्यारा सपना आएगा जिसमें आपको बप्पा दर्शन देकर जाएंगे। सपना कैसे साकार हो बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आपके कल के दिन के बारे में। कल का दिन हम सबके लिए कैसा रहेगा, राशिफल की बात होगी और बप्पा को क्या कुछ अर्पित करें राशि अनुसार जानते हैं। शुरुआत पहली छह राशियों से यानी कि मेष से लेकर के कन्या तक का राशिफल पहले जान लेते हैं। बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को क्या करना है कि आप लोग बप्पा को फल चढ़ाएं। इससे क्या होगा, घर में मेहमान आएंगे। गुलाबी रंग अपनाइए, 70% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। वृषभ राशि की बात करते हैं, आप लोग बप्पा को लाल फूल चढ़ाइए, मानसिक तनाव दूर होगा। क्रीम रंग अपनाए, 75% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। मिथुन राशि की बात करते हैं, बप्पा को इत्र चढ़ाइए आप लोग, मेहनत का फल मिलेगा। लाल रंग शुभता लिए हुए है और 85% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। बात करते हैं कर्क राशि की, बप्पा को पीले फूल चढ़ाइए, पीले रंग के पुष्प चढ़ाइए, बाहर के खाने से आप बचेंगे। साथ ही साथ सफेद रंग शुभता बढ़ा रहा है और 66% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। सिंह राशि की बात करते हैं, बप्पा को सफेद फूल की माला चढ़ाएं, विवादों से दूर रहिएगा। मैरून रंग अपनाएं, 80% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ाए हुए हैं। कन्या राशि की बात करते हैं तो बप्पा को शिक्षा की सामग्री, किताब कॉपी पेंसिल ये समर्पित करें, अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ जामुनी रंग अपनाएं, शुभता लिए हुए हैं और 80% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ाएंगे। बिल्कुल, और तुला से लेकर के मीन तक का राशिफल भी बस हम आपको आगे बताने वाले हैं, पर उससे पहले हम बात करेंगे उस खास विधि के बारे में जो आज आपको अपनानी है, उसके बाद बप्पा देंगे आपको रात में दर्शन। रही बात बप्पा के दर्शन की, तो हो जाइए तैयार, आज आप भी कीजिए दर्शन। नोट कीजिए, करना क्या है कि गणेश जी को एक पान का पत्ता, उस पे दो लौंग रखें और साथ ही साथ पांच दुर्वा जरूर चढ़ाएं। पांच दुर्वा, पान का पत्ता, पत्ते पे दो लौंग और पांच दुर्वा अलग से चढ़ाएं और घी का दीपक प्रज्वलित करें। इससे क्या होगा, और प्रार्थना करें गणपति जी से, इससे क्या होगा, रात को स्वप्न में जरूर आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आए। और जैसे आए स्वप्न में अपना अनुभव हमें जरूर भेज दीजिए। बिल्कुल, और आपको पता ही है मेल आईडी हमारी कल 2pm@liveindia.tv। आभा है वाराणसी से हमारे साथ जी, आपका स्वागत है शो में। हेलो जी, हाँ नमस्ते जी, नमस्ते पंडित जी, नमस्कार जी। मैं आभा बोल रही बनारस से जी। बिल्कुल, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी बेटी की जन्म तिथि है 22 अगस्त 1995 और समय है 3 बजे जी, स्थान है बनारस 3 बजे। मैं उसके भविष्य के बारे में, उसकी शादी के बारे में जानना चाहती हूँ और हम अपना मकान कब बना पाएंगे ये पूछना चाहती हूँ। ये समय आपने AM बताया या PM, दोपहर का समय है? ये AM है, दोपहर के 3 बजे। दोपहर के 3 जी, जरूर। देखिए, जो कुंडली है धनु लगन की कुंडली बनती है, कन्या राशि बनती है और शनि की महादशा चल रही है, शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। अभी कई चीजों में जैसे मकान की बात की, तो देखिए 2019 का समय आने दीजिए, अच्छा समय है। और रही बात शादी विवाह की, तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि 2018 दिसंबर के पहले कोई योग नहीं है, जल्दबाजी भी ना करें।
इनको पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना चाहिए, इनको उपाय बता रहे हैं जरूर कीजिए, इनको मूंगा धारण करवाइए, बहुत लाभ होगा। बिल्कुल। और चलिए अब जानेंगे तुला से लेकर के मीन तक का राशिफल और बप्पा को क्या कुछ अर्पित करें ये भी जान लेते हैं। तुला राशि के लोग, आप लोग क्या करेंगे कि बप्पा को लाल फूल चढ़ाएंगे और साथ ही साथ अनावश्यक धन के खर्च से बचेंगे। बादामी रंग शुभता बढ़ा रहा है, 69% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ाए हुए हैं। वृश्चिक राशि की बात करें तो बप्पा को आप लोग लाल कलम अर्पित करें, नए मित्र बनेंगे। हरा रंग शुभता लिए हुए है, 75% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। धनु राशि की बात करते हैं, बप्पा को मोदक चढ़ाइए आप, व्यक्तित्व में निखार आएगा, साथ ही साथ लाल रंग शुभता लिए हुए है और 85% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि वाले लोग बप्पा को मिष्ठान चढ़ाएं, विवादों से दूर रहेंगे आप लोग, नीला रंग शुभता लिए हुए है और 80% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। कुंभ राशि की बात करते हैं, कुंभ राशि वाले लोग बप्पा को फल चढ़ाएंगे, धन खर्च से बचेंगे, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा रहेगा और 55% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। मीन राशि की बात करते हैं, मीन राशि वाले लोग क्या करें कि बप्पा को पीला वस्त्र चढ़ाएं, किसी की आलोचना करने से बचें आप, पीला रंग शुभता लिए हुए है और 75% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। संतदा है मुंबई से जी, आपका स्वागत है शो में। हेलो जी। नमस्ते मैडम, प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम। गुरु जी मैं मेरे लड़के के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताएं। मेरा लड़के का डेट ऑफ बर्थ है 23 फरवरी 1992। जी। समय समय 3 सुबह के 3 बजे के आसपास है, सुबह के। जी। और प्लेस? मुंबई। जी क्या सवाल है आपके संतोषा जी? मैम मेरा लड़के को ना अभी उसने BSc ग्रेजुएट किया, लेकिन उसको जॉब के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, क्या उसको गवर्नमेंट जॉब लग सकती है क्या और कभी उसका योग कब है? जरूर। देखिए धनु लगन की कुंडली बनती है और जो राशि है तुला राशि है, बृहस्पति की महादशा, चंद्रमा की अंतरदशा, बृहस्पति वक्री होके बैठे हैं, भाग्य भाव में विलंब है, थोड़ा टाइम लगेगा और फरवरी 2017 के बाद कुछ उपयुक्त समय शुरू हो रहा है, लेकिन कुंडली के हिसाब से हम आपको यही कहेंगे सूर्य का उपाय कीजिए और इनके लिए आदित्य यंत्र बनवाकर अपने घर में रखिए, भोजपत्र पे बनवा के, और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, लाभ होगा। बिल्कुल। तो चलिए इन अच्छी खास जानकारियों के साथ शो में आज के लिए बस इतना ही, और आचार्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन खास जानकारियों के लिए। जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कल दोपहर 2 बजे हम आपको बताएंगे कि विघ्न विनाशक जो है आपके सभी दुखों को हर लेंगे और जीवन में सुख संपन्नता आपको देंगे, लेकिन कैसे खास प्रयोग कल बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक और जाते जाते कीजिए बप्पा के दर्शन भी, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। गुणशरीराय गुणमंडिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदंताय वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्रीगणेशाय धीमहि चतुराय गान प्राणाय गानांतरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुक मनसे गुरु पूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरु विक्रमाय गुह्य प्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरु दैत्यकल क्षेत्रे गुरु सदाराध्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखंड खंडकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतकोत्
पवित्राय धीमहि गूढ़गुल्फाय गंधमत्ताय गोजय प्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदंताय वक्रतुंडाय गौरीतनयाय गणपतये नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बापा मोरया बदला जा रहा है, किडनी बदली जा रही है, कभी हार्ट के ऑपरेशन किए जा रहे हैं, कभी यूट्रस रिमूव कर रहे हैं, कभी पित्त की पत्थरी के नाम पे पित्ता निकाला जा रहा है, बीपी शुगर थायराइड की केमिकल युक्त गोलियां जिंदगी भर खिलाई जा रही है। ये कोई इलाज थोड़ी है, आप बीमार होने ही क्यों दे रहे हो? जरूरत है बीमारी के कारण जड़ पर काम करने की। तो आइए हमारे साथ योग मेडिटेशन व आयुर्वेद की रिसर्च के परिणाम दिव्य किट को अपनाइए और अपने पूरे परिवार को हर गंभीर बीमारी व ऑपरेशन से बचाइए। गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था आपके लिए लाए हैं प्रोग्राम जीना सीखो, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको आपके शरीर के विज्ञान के बारे में, उसमें आने वाली हर बीमारी के बारे में और उन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है उनके बारे में विस्तार से जानकारी देगा, ताकि आप अपने डॉक्टर खुद बन सकें और घर बैठे हर बीमारी का इलाज खुद कर सकें। जीना सीखो प्रोग्राम योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी की कड़ी मेहनत व आयुर्वेद पर उनके अनुसंधान का फल है, जिसका हम अभी वर्णन करेंगे। तो आइए मिलते हैं योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी से। नमस्कार दर्शकों, मैं मनीष गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था के जीना सीखो कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी गंभीर बीमारी, डॉक्टर ने बोल दिया कि इस बीमारी का इलाज ही नहीं है, या डॉक्टर ने बोल दिया आपको जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, या आपको किसी बड़े हॉस्पिटल ने बोल दिया कि आपका तो ऑपरेशन ही इलाज है, तो आप मुझसे इस प्रोग्राम में बात करके अपनी बीमारी की जड़ के बारे में जान सकते हैं, ताकि जो हमारी संस्था का मकसद है कि आपको हम लोग अपना डॉक्टर खुद बनाए, वो जीना सीखो ये सिखा दें, ताकि आप
बीमार ना पड़े, शुगर ना हो, बीपी ना हो, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी फेल, लीवर खराब, जितनी भी बीमारियों के मैं नाम लूंगा वो सब बीमारियां हमारी अपनी ही जानी अनजानी गलतियों की वजह से आती हैं। लेकिन हम लोगों में कमी कहाँ है, हम लोग स्वीकार नहीं करते, हम लोग सोचते हैं दवाई खाने से बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन दवा एक लिमिटेड मात्रा में काम करती है, क्योंकि बीमारी का कारण, बीमारी की जड़ हमें खुद को पहचानना होता है कि हमें बीमारी क्यों आई, उसके वजह कारण क्या है, वजह क्या है। जब जिस व्यक्ति ने बीमारी की वजह देख ली कि मुझे बीमारी इस वजह से आ रही है, उसके पीछे ये कारण है, तो वो खुद ही अपनी वजह को ठीक करके, बीमारी की जड़ करके, अपने खाने पीने को ठीक करके खुद ही स्वस्थ हो सकता है। और हमारी जो संस्था का मकसद है गॉडरेस फाउंडेशन का, कि भारत में हर व्यक्ति को जीना सिखाओ और भारत में हर व्यक्ति को अपना डॉक्टर खुद बनाओ, ताकि जो देश का करोड़ों रुपया, अरबों रुपया हर साल दवाइयों के नाम पर बाहर जाता है वो बच सके। मैं आपको एक आंकड़ा भी बता देता हूं कि सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, तब सिर्फ भारत में 4 करोड़ रुपए की दवाइयां बाहर से इंपोर्ट हुई थी, जो कि भारत सरकार का रजिस्टर्ड आंकड़ा है। और सन 2013 में 48,500 करोड़ रुपए की दवाइयां इंपोर्ट हुई, जिसमें मुख्यतः बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी फेल, हेपेटाइटिस की दवाई, लीवर की दवाई मुख्य है। तो 48,500 करोड़ रुपए की जो दवाइयां बाहर से आई हैं, तो वो पैसा देश का बाहर गया, यानी कि हम दोबारा किसी नई ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ बढ़ रहे हैं, धक्के से हम लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं, आज की डेट में अगर हम बात करते हैं शुगर की, तो भारत में लगभग 9 करोड़ लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, और WHO कहता है कि 2020 तक भारत में 20 से 22 करोड़ लोगों को शुगर हो जाएगी, और 2025 तक भारत में 70 करोड़ लगभग शुगर के रोगी होंगे। तो इसका मतलब इन कंपनियों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, जो कि विदेश में बैठी हैं और बिजनेस कर रही हैं भारत में। तो इस तरह हम लोग कब तक बचेंगे और कब तक हमें कोई बचाने के लिए आएगा। तो हमारी संस्था ने प्रोग्राम इसीलिए शुरू किया कि आपको सभी कुछ सिखाएं, बताएं और इतनी जानकारी दे दें कि आप अपने डॉक्टर खुद बन सको। और हमारी संस्था ने दिव्य किट का आविष्कार किया, उसके पीछे भी यही मकसद है कि आप अपने डॉक्टर बन जाएं, अपना इलाज खुद करें और अपनी बीमारी की जड़ पहचान कर खुद उसको ठीक करें और किसी भी तरह का ऑपरेशन ना कराएं। तो मैं कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा, आपकी आंखें खोलना चाहूंगा कि किस तरह हम लोग धक्के से इन बीमारियों और तकलीफों की चपेट में आ रहे हैं। अब मैं आपको एक न्यूज़पेपर दिखा रहा हूं कि ये पंजाब केसरी है, चंडीगढ़ केसरी, 23 दिसंबर 2014 की। ध्यान से देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि PGI का पहला पेनक्रियाटिक ट्रांसप्लांट फेल। अब मुझे यह समझ नहीं आता कि हमें ये पेनक्रियास ट्रांसप्लांट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। अगर हमारी सरकार और हमारे हॉस्पिटल हमें यह सिखाएं कि हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं, हमें शुगर हो क्यों रही है, पेनक्रियास खराब क्यों हो रहा है, तो ज्यादा बढ़िया है या ट्रांसप्लांट किए जाए। तो मैं तो ये मानता हूं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब बचाव ही उपचार है। एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। हाँ जी नमस्कार, हेलो। हाय, मुझे एक्चुअली डॉक्टर्स ने बोला है कि आपको स्लिप डिस्क है, ठीक है, और आपको अब और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। मैडम आपकी एज कितनी है और वजन कितना है और ब्लड ग्रुप क्या है? मेरा ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, 31 ईयर्स ऑफ एज है। और कितनी कितनी एज कितनी बताई आपने? 31। और आपके बेबी ऑपरेशन से हुआ था क्या, सीजरन हुआ था? राइट। तो कमर में इंजेक्शन लगा था उस टाइम पे? नहीं। और तो एंथीसिया फुल दिया था उन्होंने? हाँ जी। वजन कितना बताया आपने? 60। तो ये कब से प्रॉब्लम है आपको डिस्क की? फिलहाल तो 1 साल हो गया, बिकॉज़ मैंने लास्ट ईयर MRI कराया था, तो उसमें L4 L5 में प्रॉब्लम आई है कि L5 S1 में आई है? लोएस्ट ऑफ द बोन आया है। तो L5 S1 होती है, तो उसमें आपके पाँव में दर्द चलता है कोई, चीटियों जैसा, या कभी खिंच पड़ती है नीचे की तरफ? मुझे लेफ्ट लेग में नमनेस भी आ जाती है और पेन भी रहता है, और अब ये पेन मेरे को नीज में भी आने लग गया है बहुत। तो मैडम आप ये मान के चलो कि ये जो प्रोग्राम आपको दिखा है भगवान ने ही दिखाया है। आप ये मान लो कि अगर आपको ऑपरेशन कराना भी है तो आप डॉक्टर बोल दो मैं 3 महीने बाद करा लूंगी, और मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि लगभग 3 महीने में आपकी ये डिस्क प्रॉब्लम बिना ऑपरेशन ठीक हो सकती है। आप ये प्रोग्राम के दौरान या प्रोग्राम के बाद भी हमारी संस्था में डॉक्टर्स हैं, से बात कर लेना और उनको अपनी प्रॉब्लम और बीमारी की जड़ बता के ना अपने अकॉर्डिंग दवाई मंगवा लेना, और परहेज करना थोड़ा सा साथ में, क्योंकि ब्लड ग्रुप आपका ओ पॉजिटिव है। ओ पॉजिटिव वाले को सूरज डूबने का प्रोटीन नहीं खाना होता, उससे नुकसान क्या होता है कि बॉडी में जो रिकवरी है, जो बोन मैरो है और जो हमारी डिस्क के अंदर जो तंतु है वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी की बोन रिकवर नहीं कर पाती। तो ऑपरेशन कराने के बाद दोबारा फिर डिस्क खराब हो जाएगी, उससे अच्छा आप इसी डिस्क को ठीक कर लीजिए और बड़ी आसानी से ठीक हो जाएगी, नो डाउट। हम बात कर रहे थे कि बीमारियां क्यों आ रही हैं,
क्यों बढ़ रही हैं और उसके वजह कारण क्या और डॉक्टर को क्या करना चाहिए। तो मैं आपको एक और न्यूज़पेपर दिखाता हूं कि जिनको भी शुगर है भारत में लगभग 9 करोड़ लोगों को